गम की जो ये आंधियां हैं, ये आंधियां भी टल जाएंगी। इन चिरागों को मत छूना वरना तुम्हारी उंगलियां जल जाएंगी। अरे मत जलाओ बेटियों को माल और दौलत के लिए वरना एक दिन तुम्हारी भी बेटियां जल जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ उस बेटी की, उस बहन की, निकिता तोमा, जिसकी दो दिन पहले हत्या कर दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ माँ बाप का भी है। माँ बाप ने अगर समय पे स्टेप उठा लिया होता तो उस बेटी आज जिंदा होती है, हम सबके बीच होती है। माँ बाप अपनी बेटी के हाथों में हथियार थमाएंगे और कहेंगे बेटी अगर तुम्हें कोई छेड़ता है तो दोनों उंगलियां उसकी आंख में डाल के साले की आंखें नोच दो। लेकिन माँ बाप आजकल ऐसा बोलते नहीं है, बेटियों की आवाज को दबा देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। 21 साल की ये लड़की कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। गाजियाबाद के किसी इलाके में कॉलेज है जहां इसका एग्जाम था, ये एग्जाम देने गई थी। एग्जाम देके जब ये वापस लौट रही थी, उसके साथ दो लड़के जो स्कूल टाइम से पढ़ते थे इसके साथ, वो इसे स्कूल टाइम से ही तंग कर रहे थे। और ऐसा नहीं, 2018 में इसको किडनैप भी किया गया था। इसके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई थी, लेकिन जब कोर्ट के चक्कर काटने की बारी आई तो वही घटिया ड्रामा, रिश्तेदार और पंचायत बैठा दी गई। वो कहा कि भाई लड़की है, शादी कैसे करोगे, उसकी बाद में शादी के बाद कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहेगी। तो वहीं पंचायत में मामले को रफा दफा कर दिया गया। और यही वो माँ बाप की गलती थी कि रिश्तेदार और पंचायत के जो झांसे में आके उन्होंने केस को वापस कर दिया, ले लिया और लड़के को छोड़ दिया गया। अभी घटना की बताता हूँ हुआ क्या था। जब ये एग्जाम देने गई थी, एग्जाम देके जब ये वापस आ रही थी, तो इसे उन लड़कों ने पकड़ा जबरदस्ती। 15-16 मिनट तक उसे टॉर्चर किया गया, डराया धमकाया गया और जबरन उसे एक गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं मानी तो उसे गोली मार दी गई। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। और पुलिस ने भी इन दो लड़कों को गिरफ्तार भी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इनके नाम तौफीक और रिहान नाम के दो लड़के हैं। और यहाँ पे लव जिहाद का एंगल भी अभी सामने आ रहा है। जब तक माँ बाप अपनी बेटी को ये नहीं कहेंगे कि जो लड़का तुम्हें छेड़ता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता है, साले की आंखें नोच दो, काट दो साले को वहीं पे, पीछे से हम देख लेंगे, लेकिन माँ बाप कहते नहीं है। मेरे हिसाब से ये सारा कसूर ऐसे माँ बाप का है जो ऐसी घटिया मानसिकता वाले हैं, जो कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम चुप रहो। इन बच्चियों की आवाज़ को दबा दिया जाता है ऐसे माँ। अगर तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो एक दिन तुम्हारे घर में भी यही अंजाम होगा। अभी कहाँ है वो अभिनेता, वो सारे बुद्धिजीवी, उनको क्या है यार, जब वोट आते हैं ना ये नेता तुम्हारे चरणों में पड़े होते हैं, तलवे चाटते हैं तुम लोग उनके, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं फिर तुम लोग इनके तलवे चाटते हो। सोच समझ के वोट दीजिए और बायकॉट करो ऐसे घटिया लोगों का और ऐसे नेताओं का। इन नेताओं को और अभिनेताओं को क्या, इनको तो सिक्योरिटी मिल जाती है, बॉडीगार्ड्स मिल जाते हैं, इनको क्या फर्क पड़ रहा है आम घर की बेटी के साथ कुछ भी हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर इंसान को ये पता चले और वो थोड़े जागरूक हो जाएं। जय हिंद, धन्यवाद।